ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए महज मुट्ठी भर का समय बचा है। ये मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। न्यूजीलैंड इंग्लैंड पहुंचकर वहां पर तैयारियां भी कर रही है, लेकिन इसी बीच न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए एक ऐसी खबर आती है जो वाकई में हर किसी को हैरान करती है। न्यूजीलैंड के लिए फाइनल मुकाबले में ये खबर मुश्किलें बढ़ाने वाली है और भारतीय क्रिकेट टीम को हेल्प करने वाली है। कुछ तो ये भी कह रहे हैं मानो अगर ऐसा हो गया तो भारत बड़े आसानी से ये मुकाबला जीत जाएगा। लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए दुखद खबर क्या है, क्या है ऐसी खबर जो पूरी टीम को हिलाकर रखने वाली है, आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। टेस्ट क्रिकेट में बादशाह की जंग लड़ने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुंचकर प्रैक्टिस शुरू कर चुकी है। ये पहला मौका होगा जब वनडे और T20 की तर्ज पर ही टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन का आयोजन किया गया था। अब करीब 2 साल तक चले मैचों के बाद फाइनल का वक्त आ गया है। फाइनल फाइट 18 जून से साउथैम्पटन में लड़ी जाएंगी। मुकाबला होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच। ये भी बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड की टीम इस समय ICC की टेस्ट रैंकिंग में टॉप 2 टीम है। भारतीय टीम पहले पायदान पर है तो न्यूजीलैंड टीम दूसरे पायदान पर है। न्यूजीलैंड की टीम पहले से ही इंग्लैंड पहुंच चुकी है और इंग्लैंड के खिलाफ वो खेलने वाली है 2 टेस्ट मुकाबले। एक पूरा हो चुका है और दूसरा जल्द ही शुरू होने वाला है। खैर, लेकिन इस बीच न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए एक ऐसी खबर आई है जो वाकई में न्यूजीलैंड के लिए तो दुखद खबर है, लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए काफी हद तक राह आसान करने का काम कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। फाइनल मुकाबले के लिए कई सारे क्रिकेट दिग्गजों का मानना है कि फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहने वाला है, क्योंकि वो इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेलेगी, जिससे वहां के पिचों का अनुभव उसको हो जाएगा, जो कि भारत के सामने उसको बढ़त देगा। लेकिन टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने इसके बारे में अपनी एक अलग ही राय दी थी। उन्होंने कहा था कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अगर इंग्लैंड के साथ में टेस्ट मुकाबले खेलती है उसके लिए वो खुद से कब्र खोदने जैसी बात हो सकती है। कैसे, आइए जानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इंग्लैंड के सामने हार जाती है तो उनका कॉन्फिडेंस गिरेगा, और अगर उनका कोई भी स्टार खिलाड़ी चोटिल हो गया तो भारत के लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। और कुछ ऐसा ही न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की तरफ से देखने को मिल रहा है। एक एक नहीं बल्कि 2-2 खिलाड़ी और दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी, दोनों ही प्लेइंग 11 में शामिल खिलाड़ी, और एक का नाम सुनकर तो हर कोई हक्का पक्का है। उनके खुद कोच गैरी स्टीड ने बताया है। गैरी स्टीड ने मंगलवार को बताया कि उनके खिलाड़ी मिशेल चैंडनर की इंडेक्स फिंगर में कट लग गया है। स्टार स्पिनर मिशेल चैंडनर चोट के चलते 2रे टेस्ट से बाहर हो गए हैं, जबकि कप्तान केन विलियमसन भी चोटिल है। कीवी हेड कोच गैरी स्टीड ने मंगलवार को बताया कि कप्तान विलियमसन की बाई कोहनी की चोट पर नजर रखी जा रही है। उनके खेलने का फैसला बुधवार को लिया जाएगा। मिशेल चैंडनर उंगली की चोट के चलते 2रे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। विलियमसन बाई कोहनी की चोट पर नजर रखी जा रही है, उनको लेकर फैसला जल्द ही लिया जाएगा। चूंकि फाइनल मुकाबला नजदीक है, इसलिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम विलियमसन को लेकर या फिर किसी भी खिलाड़ी को लेकर कोई भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेगी। लेकिन यहाँ पे विलियमसन की चोट अगर फाइनल मुकाबले तक ठीक नहीं हो पाई तो फिर खतरे की घंटी तैयार है।